दोस्तों यार वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो यार आज मैं आया आप लोगों को भगवान दुर्गा पूजा की मूर्तियाँ दिखाने। एक्चुअली बंगालीज में दुर्गा पूजा बहुत फेमस होती है, तो उसकी ना मूर्तियाँ बनती है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, पीछे ना मूर्तियाँ हैं, अभी मैं दिखाता हूँ अंदर एक एक करके। तो उसकी जो मूर्तियाँ बनती है मिट्टी से और मतलब बनती है, और उसको पूरा डेकोरेट किया जाता है। फिर उसकी यहाँ पे पूजा करी जाती है सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी को, फिर उसकी विसर्जन कर दी जाती है। तो वही मूर्तियाँ हैं, तो मैं अभी वही देखने आया हूँ कि कैसे कितना बन चुका है। तो मैं दिखाता हूँ आपको भगवान जी की मूर्तियाँ। तो ये देखो, ये अंकल है, तो ये भगवान जी को अभी सजा रहे हैं। तो अंकल आप ये कितने सालों से भगवान जी की मूर्ति बना रहे हो? हम तो बेटे बचपन से, हमारा खानदानी यही है। अच्छा, ये बना रहा हूँ अभी 3 महीने से, दुर्गा पूजा काम शुरू होता है। हाँ हाँ, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं हो रहा, कोरोना का चक्कर में हमारा। अच्छा, थोड़ा हो गया, जो 10 फुट 12 फुट 14 फुट मूर्ति जाता, 5-6 फुट का मूर्ति जा रहा है। अच्छा, हाईएस्ट वैसे कितने फुट का मूर्ति बनाया आपने? यहाँ पे 6 फीट 7 फीट। अच्छा, और वैसे मूर्ति का क्या हाइट का? हाँ, ऐसी मूर्ति का रेट जो रेट था वो नहीं जा रहा, जो जैसे 50,000 था अभी 20,000 15,000। अच्छा, मूर्ति का रेट जा रहा। अच्छा, इस बार हमारा बहुत भरोसा, हम कारीगर ले आए। अच्छा, वैसे टोटल कितने कारीगर है यहाँ पे आपके पास? 3 कारीगर। अच्छा, 3 कारीगर है। और वैसे अंकल मेरी गली में ही रहते हैं, और उसके पीछे ही अंकल का एक मतलब है, वहाँ पे बनाते हैं, जगह है उनकी। और ये मतलब मूर्तियाँ बनाते कैसे हो, मतलब कैसे बनता है ये बताओ? इसके ना बांस से हम काट के टेक्चर बनाता है। हाँ, उसको बाद फिर हम घास से उसको बांधते हैं। अच्छा, फिर उसको बाद हम मिट्टी चढ़ाता है, फिर मिट्टी से हम फिनिशिंग करता है। अच्छा, एक गंगा का मिट्टी लेकर फिनिशिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसको बाद अच्छा थोड़ा फिनिशिंग करके पेंट होता है। तो प्राइस, और इसका प्राइस क्या है, मतलब भगवान जी की स्टार्टिंग क्या होती है मूर्ति की? स्टार्टिंग का प्राइस बेटा पहले जो था वो नहीं था, अभी रेट चल रहा है इसका 15,000 20,000 पूरा सेम। सबसे बड़ी, अच्छा, और जो सबसे बड़ी मूर्ति भगवान जी की अभी तक कितने की है? वो सबसे बड़ा है यहाँ पे 30,000 की। एक वहाँ पे रखी हुई है ना सबसे, हाँ बोरी, वो देखो एक मूवी कम्प्लीट होने, तो वो कम्प्लीट होगा, वो कितने दिन में कम्प्लीट हो जाता है? वैसे कम से कम एक मूर्ति का तो कम से कम 10-15 दिन लग ही जाता है। और वैसे 11 तारीख से शुरू होने वाली है पूजा, जैसे तब तक वैसे हो जाएगी ये सारी? तब तक कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, अभी पूरा सुबह शाम मूर्तियों में काम ही चल रहा है, पूरा काम ही चल रहा है। ये देखो यहीं पे ही बेड वेड लगा के अंकल जी यहीं पे सोते हैं। और बाकी पीछे की साइड में भी एक जगह है, वहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई है ना। हाँ, मेहनत भी करते हैं। और आपकी मूर्ति कहाँ कहाँ, कितनी, कौन कौन, मतलब कितनी दूर दूर तक लोग आते हैं? नोएडा जाता है, जनकपुरी जाता है। अच्छा, देवगढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ यहाँ से लोग भगवान मूर्तियाँ लेते हैं इनसे। माँ दुर्गा रघुमने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे आज কের পিঠে পড়লো কাঠি পূজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে লাগলো দোলা কাশের বনে। यहाँ पे मतलब सारी मूर्तियाँ जो है यहाँ पे अंदर बन रही है भगवान जी की।
दुर्गा माँ की। और यहाँ पे भी कुछ जो मूर्तियाँ पूरी तैयार नहीं हुई, जैसे गणेश जी की मूर्ति है और देखते हैं लक्ष्मी भगवान जी, गणेश भगवान जी, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये देखो ये सारे भी इनकम्प्लीट है, अभी ये कम्प्लीट होगी। देखो तो ये भाई है अंकल का बेटा, मैंने दिखाया भगवान जी की मूर्तियाँ कैसे बन रही है। और यहाँ पे भी देखो कितनी सारी हाफ बनी हुई है, हाफ बन रही है। देखो गणेश जी भी है यहाँ पे, पूरा पूरा नहीं बनाया, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा आधा आधा बना हुआ है। और इनको जो लेबर लोग हैं, इन लोगों को भी कितनी दिक्कत हुई होगी लॉकडाउन के लिए, क्योंकि एक्चुअली पहले ना मूर्ति बहुत लंबी लंबी बनाई जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति होती थी भगवान जी की, बट कोविड के बाद से तो अलाउ नहीं करा गवर्नमेंट ने, सिर्फ 5 से 6 फुट की मूर्ति रख सकते हैं। और देखा अपने अंदर कि 8 फीट की भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है, बट वो मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी, तो इन लोगों को बहुत लॉस होता है इसके लिए भी। फिर भी इसी चक्कर दुर्गा भगवान जी की पूजा नहीं हुई थी, क्योंकि लास्ट ईयर तो लॉकडाउन ही था, तो सब कुछ बंद ही हुआ था, तो उसके लिए भी बहुत कुछ लॉस इनको झेलना पड़ता है। एक्चुअली ये जो लेबर है ये सारे मोस्टली वेस्ट बंगाल से ही होते हैं, क्योंकि जो मिट्टी का काम है ये सब ना वेस्ट बंगाल के लोग, इन लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, तो वहीं के ही लेबर लोग हैं, तो गांव से आते हैं ये लोग यहाँ पे मतलब भगवान जी की मूर्ति बनाने के लिए। और उसके बाद इनको इतना लॉस भी झेलना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, इनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। एक्चुअली एक ट्रेडिशनल पूजा है हमारे वेस्ट बंगाल की, तो और देखते क्या क्या है। ये जितने भी भगवान जी की मूर्तियाँ बनती है ये सारी ना मिट्टी से और लकड़ी से बनती है, तो ये एनवायरनमेंट को कुछ हार्म नहीं करता। और इनको जब विसर्जित किया जाता है दशमी वाले दिन, तो उसके बाद अगले साल जब फिर से मूर्ति बनाई जाती है, तो वही मिट्टी यमुना जी में जो बहा दिया जाता है भगवान जी की मूर्ति को, उसी वहीं से मिट्टी उठा कर फिर से भगवान जी को मूर्ति बनाई जाती है भगवान जी की। तो इससे कोई एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता, कि क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं जो मूर्ति POP वगैरह इन सब से बनाते हैं, तो उससे जो है ना एनवायरनमेंट को थोड़ा हार्म होता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ये मिट्टी घास और लकड़ी वगैरह से ही बनती है। तो बहुत कुछ दिखा दिया आपको मैंने दुर्गा पूजा के, भगवान आपको मैंने दिखाया भगवान जी की मूर्तियाँ कैसे बनती है, कैसे कैसे इसका मतलब मिट्टी से बनाया जाता है, और ये जो कारीगर आए होते हैं वो वेस्ट बंगाल से आए होते हैं कारीगर। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितने सारे मूर्ति है जो अभी पूरी तैयार नहीं हुए हैं, इनको भी तैयार किया जाएगा, क्योंकि 11 तारीख से एक्चुअली दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाली है। सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ की पूजा करी जाती है, और दशमी वाले दिन इसको विसर्जित किया जाता है यमुना जी में। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, पहले नवरात्र की स्टार्टिंग से ही पूजा करी जाती थी पूरे 10 दिन, बट धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में भी मतलब 3 दिन ही पूजा करी जाती है। तो इतना ही था दुर्गा भगवान की मेकिंग और कैसे बनता है। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।